हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैचलर्स ऑफ बॉटनी। आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, जो कि एलेक्सोपाउलस और मिम्स के थ्रू दिया गया था। तो जे एलेक्सोपाउलस एंड चार्ल्स डब्ल्यू मिम्स 1975 ने इन्होंने सारी फंजाई को एक किंगडम में इंक्लूड किया, जो कि इनका खुद का किंगडम था, माइसिटी। ठीक है, और ये सुपर किंगडम यूकेरियोंटा का किंगडम था। दे डिवाइडेड द किंगडम माइसिटी इंटू 3 डिविजन्स, 8 सब डिविजन्स, 11 क्लासेज एंड 1 फॉर्म क्लास। ठीक है, तो इन दोनों लोगों ने मिलकर किंगडम माइसिटी को 3 डिवीजन, 8 सब डिवीजन, 11 क्लासेज और एक फॉर्म क्लास में डिवाइड किया था। ठीक है, तो ये देखते हैं इनके क्लासिफिकेशन को। तो जैसा कि पहले बताया गया, ये किंगडम माइसिटी नाम दिया इन्होंने, जिसमें इन्होंने सारी फंजाई को इंक्लूड किया। इसमें इनका 3 डिवीजन था, जिम्नोमाइकोटा, मेस्टिगोमाइकोटा एंड ए मेस्टिगोमाइकोटा। ठीक है, इसमें सब डिवीजन्स थे, एक रेसियो जिम्नोमाइकोटीना, इसमें क्लास थी एक रेसियोमाइसीट्स। दूसरा सब डिवीजन था प्लाज्मोडियो जिम्नोमाइकोटीना, इसमें प्रोटोस्टीलियोमाइसीट्स और मिक्सोमाइसीट्स। जो दूसरा डिवीजन था मेस्टिगोमाइकोटा, इसमें पहला सब डिवीजन था हैप्लोमेस्टिगोमाइकोटीना, इसमें क्लास था काइट्रिडियोमाइसीट्स, हाइफोकाइट्रिडियोमाइसीट्स और प्लाज्मोडियोफोरोमाइसीट्स। ठीक है, 3 क्लासेस इसमें थे। फिर इसमें जो दूसरा सब डिवीजन था वो था डिप्लोमेस्टिगोमाइकोटीना, इसमें एक सिंगल क्लास थी ओओमाइसीट्स। फिर डिवीजन थर्ड ए मेस्टिगोमाइकोटा, इसमें सब डिवीजन था जाइगोमाइकोटीना, क्लासेस थे जाइगोमाइसीट्स, ट्राइकोमाइसीट्स। फिर दूसरा सब डिवीजन जो था वो था एस्कोमाइकोटीना, इसमें क्लास थी एस्कोमाइसीट्स। देन तीसरा सब डिवीजन, इसमें बेसिडियोमाइकोटीना, जो तीसरा सब डिवीजन का नाम था, इसमें क्लास थी बेसिडियोमाइसीट्स। और चौथा सब डिवीजन जो दिया था इन्होंने वो था ड्यूट्रोमाइकोटीना, इसका सिंगल क्लास था ड्यूट्रोमाइसीट्स। अब किंगडम का थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, कुछ कैरेक्टर्स भी आपको लिखने होंगे जो क्वेश्चन आपका आएगा क्लासिफिकेशन। तो किंगडम माइसिटी जो फंजाई है ये एक क्लोरोफिलस, जैसा कि फंजाई का जो भी कैरेक्टर्स है वो इसमें भी रहेगा। सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म विथ यूनिसेलुलर और मोर टिपिकली फिलामेंटस सोमा। ठीक है, फिलामेंटस थैलस होगा, यूजली सराउंडेड बाई सेल वॉल जो कि काइटिन से बनी होगी एंड अदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होंगे इसमें। न्यूट्रिशन इसका एब्जॉर्प्टिव होगा एक्सेप्ट स्लाइम मोल्ड्स, जो कि जिम्नोमाइकोटा का मेंबर है, इसमें एब्जॉर्प्टिव नहीं होता है। वेयर इट इज फैगोट्रॉपिक, तो इसमें फैगोसाइटोसिस जैसे होता है उसी तरीके से फैगोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन स्लाइम मोल्ड शो करते हैं। फिर प्रोपोगेशन टिपिकली बाई मीन्स ऑफ स्पोर्स, जो कि वेरियस टाइप ऑफ स्पोरोफोर्स में बनेंगे, एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये फंजाई का ही जैसा कैरेक्टर्स होता है वो यहाँ पे दिखाया गया है। द किंगडम इज सब डिवाइडेड इंटू 3 मेजर डिवीजन, जैसे कि हमने देखा था 3 डिवीजन इन लोगों ने दिए थे, जिम्नोमाइकोटा, एक रेसियो जिम्नोमाइकोटीना इसमें सब डिवीजन है, और दूसरा सब डिवीजन इसमें है प्लाज्मोडियो जिम्नोमाइकोटीना, जिसके क्लासेज हैं एक रेसियोमाइसीट्स और प्रोटोस्टीलियोमाइसीट्स, मिक्सोमाइसीट्स। तो जो पहला डिवीजन है जिम्नोमाइकोटा, इसमें फैगोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होंगे विथ सोमैटिक स्ट्रक्चर्स डिवॉइड ऑफ सेल वॉल, इसमें सेल वॉल नहीं होगी। ठीक है, जो फैगोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होंगे इसमें सेल वॉल आपकी एब्सेंट होगी। उसी तरीके से इसके जो सब डिवीजन है क्रैसियो जिम्नोमाइकोटीना, इसमें क्रैसियोमाइसीट्स, और प्लाज्मोडियो जिम्नोमाइकोटीना में प्रोटोस्टीलियोमाइसीट्स और मिक्सोमाइसीट्स। देन डिवीजन सेकेंड मेस्टिगोमाइकोटा, इसमें जो फंजाई है उनमें सेंट्रियोल्स होता है, फ्लैजिलेट सेल्स टिपिकली प्रोड्यूस ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल, इसमें जो सेल्स प्रेजेंट होंगी वो फ्लैजिलेट होंगी। न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्टिव होगा और यूनिसेलुलर, जो कि कन्वर्ट हो जाते हैं स्पोरेंजियम में टू एन एक्सटेंसिव फिलामेंटस सिनोसिटिक माइसीलियम। ठीक है, देन ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर्स के थ्रू होगा, जूस्पोर मोटाइल स्पोर्स होते हैं। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो होगा वो ओओस्पोर फॉर्मेशन के थ्रू होगा। ठीक है, इसमें सब डिवीजन जो था पहला वो था हैप्लोमेस्टिगोमाइकोटीना, इसमें क्लासेस थे क्राइटिडियोमाइसीट्स, हाइफोकाइट्रिडियोमाइसीट्स और प्लाज्मोडियोफोरोमाइसीट्स। ठीक है, और दूसरा सब डिवीजन इसमें डिप्लोमेस्टिगोमाइकोटीना, और इसमें जो क्लास थी ओओमाइसीट्स थी। इस ओओमाइसीट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर देख लीजिए, सिनोसिटिक माइसीलियम इसमें प्रेजेंट होता है और सेल वॉल जो है वो ग्लूकान और सेलुलोज की बनी हुई है। ठीक है, जूस्पोर इसमें विप्लैश एंड टिनसल
एक विप्लैश फ्लैजेला और एक टिंचल फ्लैजेला प्रेजेंट होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें ओ गैमस होगा, क्योंकि इसीलिए इसका नाम ओवामाइसिट्स रखा गया है। इसका एग्जाम्पल एक एल्बियोगो है। अब थर्ड डिवीजन ए मेस्टिगोमाइकोटा, इसमें जो फंजाई है उसमें सेंट्रियोल नहीं होता है। नो मोटाइल सेल्स, न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्टिव, सिंगल सेल टू माइसीलियल विथ अ लिमिटेड और एक्सटेंसिव। ठीक है, सिंगल सेल जो है वो माइसीलिया या तो लिमिटेड रहेगा या तो बहुत रहेगा। ठीक है, सेप्टेड या ए सेप्टेड माइसीलियम रहेगा। सेक्सुअल ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोरेंजियोफोर और कुनिडिया के थ्रू होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा जहाँ पाया जाता है वो या तो हैप्लोबायोन्टिक या फिर हैप्लॉयड लाइफ साइकिल विथ जाइगोटिक मियोसिस के थ्रू होगा। इसमें जो सब डिविजन्स हैं वो है जाइगोमाइकोटिना, इसमें दो क्लासेज हैं जाइगोमाइसिट्स और ट्राइकोमाइसिट्स। दूसरा सब डिवीजन है एस्कोमाइकोटीना, इसमें क्लास है एस्कोमाइसिट्स। फिर तीसरा सब डिवीजन है बेसिडियोमाइकोटीना, इसमें जो क्लास है बेसिडियोमाइसिट्स। चौथा सब डिवीजन है ड्यूट्रोमाइकोटीना, इसमें फॉर्म क्लास है। ये देखिए, नोटिस करिए, यहाँ पर सब में क्लास है, इसमें फॉर्म क्लास है। तो ये इसमें इसलिए ऐसा है क्योंकि ये इम्परफेक्ट फंजाई है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। ठीक है, और ये इसका जो क्लास है वो है ड्यूट्रोमाइसिट्स। अब जो कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं उनके कैरेक्टर्स को देख लेते हैं। तो जाइगोमाइसिट्स जो क्लास है इसमें जो स्पीसीज हैं वो साइप्रोफिटिक होंगे एंड दे लिव ऑन डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल मैटर। सम आर पैरासिटिक, ठीक है, जिसका एग्जांपल है एंटीमोपथोरा जो कि हाउस लाइफ पे रहता है। ब्रेड मोल्ड फंजाई, इसका एग्जाम्पल म्यूकर राइजोपस एंड कॉप्रोफिलस फंजाई जो कि काउ डंग यानी गोबर पे ग्रो करते हैं। इसका एग्जाम्पल पाइलोबोलस, ठीक है, और द माइसीलियम इज ब्रांच एंड सीनोसिटिक। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो स्पोर्स के थ्रू हो रहा है जो कि स्पोरेंजिया में बन रहे हैं स्पोर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो है गैमेटेंजिया के फ्यूजन के थ्रू, जो रिजल्ट करता है एक थिक वॉल्ड जाइगोस्पोर बनाने में। जब दो गैमेटेंजिया आपस में फ्यूज करते हैं तो एक जाइगोस्पोर बनता है। इट रिमेन डॉर्मेंट फॉर लॉन्ग पीरियड, ये जाइगोस्पोर काफ़ी समय तक के लिए ऐसे ही पड़ा रहेगा। देन इस जाइगोस्पोर में मियोसिस होगा और ये स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा जाइगोमाइसिट्स का कैरेक्टर। अब आपके सामने ये जाइगोस्पोर का एक डायग्राम है और ये स्लाइड है। इसमें स्पोरेंजिया है, कॉलोमेला है, स्पोरेंजियोफोर अटैचमेंट जिससे स्पोरेंजियम जुड़ता है उसको स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। ये यहाँ पे देखिए, इस पर एक फोर है, यहाँ से यहाँ ये राइजोइड्स हैं और ये माइसीलियम है। अब आ जाते हैं क्लास एस्कोमाइसीट्स पे। एस्कोमाइसीट्स इंक्लूड अ वाइड रेंज ऑफ फंगस सच एज यीस्ट, पाउडरी मिल्ड्यू, कप फंजाई, मोरल्स। ऑल द मेजोरिटी ऑफ स्पीशीज लिव इन टेस्ट्रियल एनवायरमेंट, जमीन पे ही मिलते हैं, बट कुछ सम लिव इन एक्वाटिक एनवायरमेंट बोथ फ्रेश वाटर एंड मरीन। तो एक्वाटिक फॉर्म्स भी नोन है। इसमें जो माइसीलियम है इज वेल डेवलप्ड ब्रांच विद सिंपल सेप्टम, इसमें सिंपल सेप्टम प्रेजेंट होता है, सेप्टा सिंपल होता है। मेजॉरिटी ऑफ देम आर सैप्रोफाइट्स बट फ्यू पैरासिटिक फॉर्म्स आर ऑल्सो नोन, जिसमें एग्जाम्पल है पाउडरी मिल्ड्यू जो कि एरिसाइफी के थ्रू होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाई फिशन, बडिंग, ओडिया, कोनिडिया एंड क्लेमाइडोस्पोर्स। इन सब मेथड से इसको माइसीट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो फ्यूजन ऑफ टू कंपैटिबल न्यूक्लियाई के बीच में होता है। देन प्लाज्मोगैमी इज नॉट इमीडिएटली फॉर्म्ड बाय कैरियोगैमी, ठीक है, तो कैरियोगैमी के तुरंत बाद प्लाज्मोगैमी नहीं होती है। इंस्टेड एक डाइकैरियोटिक कंडीशन, मतलब दो न्यूक्लियस वाली कंडीशन बनी रहती है जो कि सेवरल जनरेशन तक ऐसे ही पड़ी रहती है। स्पेशल हाइफा इसमें होता है जिसको एस्कोजीनस हाइफा कहते हैं। देन अ क्रोजर, ये क्रोजर एक कर्व की तरह समझिए, क्रोजर फॉर्म होता है व्हेन द टिप ऑफ एस्कोजीनस हाइफा रिकर्व्स फॉर्मिंग अ हुक्ड सेल। जो एस्कोजीनस हाइफा बताया हमने, इसमें स्पेशल हाइफा प्रेजेंट होता है, ये जब इसका टिप कर्व करता है तो वहाँ पे इस तरीके से हुक सेल फॉर्म होते हैं जिसमें द टू न्यूक्लियाई इन द पेन अल्टीमेट, पेन अल्टीमेट का मतलब होता है आखिरी से जस्ट पहले वाला, मतलब अल्टीमेट तो आखिरी हुआ, पेन अल्टीमेट मतलब आखिरी से जस्ट पहले वाला जो सेल है उसमें दो न्यूक्लियाई होते हैं ऑफ द हाइफा फ्यूज टू फॉर्म अ डिप्लॉयड न्यूक्लियस। ठीक है, तो उन दोनों के पेन अल्टीमेट सेल के न्यूक्लियस जो है वो फ्यूज करके एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं। दिस सेल फॉर्म यंग एस्कस, यही सेल यंग एस्कस बनाता है।
अब ये जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस है इसमें मियोटिक डिवीजन होगा, चार हैप्लॉयड न्यूक्लियाई बनेंगे, फिर ये माइटोटिकली डिवाइड करके एट न्यूक्लियाई बनाएंगे, द न्यूक्लियस गेट ऑर्गेनाइज इन टू एट एस्कोस्पोर, यही एट न्यूक्लियस हमारे एट एस्कोस्पोर्स बन जाते हैं, ठीक है। और जो ये एट एस्कोस्पोर्स हैं ये फाउंड इन साइड अ बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एस्कस, एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर्स, इस तरीके से समझिए। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एस्कस दिस ग्रुप इज नोन एज सैक फंजाई, सैक है इसलिए इसको सैक फंजाई कहते हैं, एस्कस के प्रेजेंस की वजह से। एसआई गेट सराउंडेड बाई स्टेराइल हाइफा फॉर्मिंग फ्रूट बॉडी कॉल्ड एस्टोकार, ये एसआई जो है इसके दोनों साइड स्टेराइल हाइफा सराउंड कर लेते हैं इसे, जो फ्लोटिंग बॉडी होती है, ठीक है, जिसको एस्कोकार्प कहते हैं। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ एस्कोकार्प, जो हमारे चार टाइप के एस्कोकार्प हैं, क्लिस्टोथीसियम जो कि कम्प्लीटली क्लोज, पेरीथीसियम फ्लास्क शेप विथ पोस्टियल ओपन ओपनिंग होती है थोड़ी सी, एपोथीसियम ये कप शेप्ड या ओपन टाइप, एंड स्यूडोथीसियम फॉल्स थीसियम टाइप का लुक होता है इसका। यहाँ पे कुछ एस्कोमाइसीट्स के मेंबर का दिखाया गया है जिसमें ये मार्शेला पेजाइजा, ठीक है, ये पेजाइजा आपका काउ डंग पे ग्रो करता है तो ये कॉप्रोफिलस फंजाई है इसका, आप ये देख सकते हैं ये इस तरीके से एपोथीसियम है, इसकी फ्लोटिंग बॉडी है, इसके अंदर आपको एस्कोस्पोर्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये पेरीथीसियम है जिसमें ये ओस्टियल छोटी सी ओपनिंग होती है और इसके अंदर ये आपके एस्कस हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, इस तरीके से आठ आपके ये स्पोर्स लगे होंगे और इनके बगल में पैराफाइसिस, ठीक है। और उसी के तरह यहाँ पे ये एपोथीशियम दिखाया गया है कप लाइक स्ट्रक्चर, इसमें भी एस्कस पैराफाइसिस और एस्कोस्पोर्स। अब आइए बात कर लेते हैं बेसिडियोमाइसीट्स की। बेसिडियोमाइटी इंक्लूड्स पफ बॉल टोडस्टूल बर्ड नेट फंजाई ब्रैकेट फंजाई स्टिंग हॉर्न्स रस्ट एंड स्मट्स, ये नाम दिए गए हैं अलग अलग फंजाई को, ठीक है। द मेंबर्स आर टेस्ट्रियल एंड लीड अ सेप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ, ये टेस्ट्रियल है और इनकी लाइफ सेप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक है। माइसीलियम इसमें वेल डेवलप्ड होता है, सेप्टेट होता है, विद डोलीपोर सेप्टम, स्पेशल टाइप का सेप्टम है। कई बार पूछा जाता है कि डोलीपोर सेप्टम कहाँ पे मिलेगा, तो आंसर बेसिडियोमाइसीट्स है, ठीक है, ब्रैकेट की तरह होते हैं, भी आपको डायग्राम में दिखाएंगे। थ्री टाइप्स ऑफ माइसीलियल नेम नेमली प्राइमरी माइसीलियल सेकेंडरी माइसीलियल एंड टर्शियरी माइसीलियल इसमें प्रेजेंट होता है। क्लैम्प कलेक्शन फॉर्म होते हैं डाइकैरियोटिक कंडीशन को मेंटेन करने के लिए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुंडिया ओडिया और बडिंग के थ्रू होता है। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है प्रेजेंट है बट सेक्स ऑर्गन आर एबसेंट, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें प्रेजेंट है बट सेक्स ऑर्गन एबसेंट है। सोमेटोगैमी और स्पर्मेटाइजेशन से प्लाज्मोगैमी होती है। देन कैरियोगैमी इज डिलेड एंड डाइकैरियोटिक फेज इज प्रोलॉन्ग, मतलब दो न्यूक्लियस वाला फेज इसमें काफ़ी समय तक रहता है। कैरियोगैमी टेक्स प्लेस इन बेसिडियम एंड इज इमीडिएटली फॉलोड बाई मियोटिक डिवीजन, जब बेसिडियम में जाता है तब इसमें कैरियोगैमी होती है और इमीडिएट मियोटिक डिवीजन हो जाता है, ठीक है। द फोर न्यूक्लियस दस फॉर्म्ड आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू बेसिडियोस्पोर्स, जैसे उसमें आपके एस्कोस्पोर्स बन रहे थे वैसे यहाँ पे बेसिडियोस्पोर्स बन रहे हैं, जो कि एक स्टेरिग्माटा पे बनते हैं आउटसाइड द बेसिडियम, बेसिडियम के बाहर, तो एक्सोजेनस। द बेसिडियम इज क्लब शेप्ड, एक क्लब शेप्ड होता है, मोठिया के आकार में होता है, विथ फोर बेसिडियोस्पोर्स, इस बेसिडियम में चार बेसिडियोस्पोर्स होते हैं। दस दिस ग्रुप ऑफ फंजाई इज नोन एज क्लब फंजाई, द फ्लोटिंग बॉडी इज कॉल्ड बेसिडियोकार, ठीक है, फ्लोटिंग बॉडी को बेसिडियोकार्प कहते हैं और इसको क्लब फंजाई कहते हैं, बेसिडियोमाइसीट्स को क्लब फंजाई कहते हैं। यहाँ पे सामने आपके एक एग्जांपल है रेसिडियोमाइसीट्स का, ये है एगारिकस और ये डोलीपोर सेप्टम, ऐसे सीधा सीधा सेप्टम नहीं होता है इसमें, इस तरीके से देख रहे हैं किस तरीके का इसमें बना हुआ है, ब्रैकेट टाइप में है ना। और यहाँ पे क्लैम्प कनेक्शन दिखाया गया है जो कि डाइकैरियोटिक कंडीशन को मेंटेन करने के लिए बनता है। अब आ जाते हैं ड्यूट्रोमाइसीट्स, लास्ट आपका क्लास है, जो कि फंजाई इम्परफेक्टाई भी कहते हैं। द फंजाई बिलोंगिंग टू दिस ग्रुप लैक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसा कि आप जानते हैं इम्परफेक्टा इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेज एब्सेंट है, ठीक है, इसीलिए ये इम्परफेक्ट फंजाई है, ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज लिव एज सेप्रोफाइट्स, इसमें मैक्सिमम स्पीशीज जो है वो सेप्रोफाइट्स होते हैं सॉइल में, एंड मैनी आर प्लांट एंड एनिमल्स पैरासाइट्स, जो प्लांट और एनिमल पे हैं वो पैरासिटिक लाइफ जीते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाई कोनीडिया क्लाइमेडोस्पोर्स बडिंग ओडिया एक्सेट्रा, कोनीडिया आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन स्पेशल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड पिनीडियम
एंड एसरविलस, स्पोरोडोकियम एंड सिनेमा। तो ये चार तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें आपका कोनिडिया अलग से बनता है, ठीक है। स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं पिकनीडियम, एसरविलस, स्पोरोडोकियम और सिनेमा। पैरासेक्सुअल साइकिल ऑपरेट्स इन ग्रुप ऑफ इन दिस ग्रुप ऑफ फंजाई, इसमें पैरासेक्सुअल साइकिल चलती है। दिस ब्रिंग जेनेटिक वेरिएशन, तो जो जेनेटिक वेरिएशन आ रहा है इस मतलब आपकी क्लास में फंजाई इनपरफेक्टाई में, वो पैरासेक्सुअल साइकिल की वजह से ही होता है, ठीक है। और यहाँ पे पिकनीडियम का एग्जांपल दिया गया है, ये पिकनोस्पोर्स दिखाए गए हैं। और यहाँ पे एसरविलस, ये कोलेटोट्रैकम कल्केटम जो कि रेड रॉट ऑफ शुगर केन कॉज करता है। उसी तरीके इसमें कोनिडिया ये दिख रहा है, ऐसे कॉमा शेप में कोनिडिया इसमें स्पोर्स होते हैं और सेप्टा प्रेजेंट होता है इनके बीच में, और ये कोनिडियोफोर पे बॉर्न होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आते रहेंगे, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू, पीस।